दोस्तों, आखिर टेक्निकल स्टार सर ने मेरे YouTube चैनल का आईडी और पासवर्ड क्यों मांगा? आइए जानते हैं वीडियो की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति गुप्ता आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से फेक आईडी से आप बच सकते हो। दोस्तों, ये मेरे साथ खुद हो चुका है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी और आप सबको अवेयर करना चाहूंगी इन आईडी से, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे सभी लोग एक्टिव है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। और कुछ भी होता है तो लोग सोशल मीडिया पे ही जाकर या तो स्टोरी डालते हैं, या रील्स बनाते हैं, या फिर वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो हम सब भी एक यूट्यूबर हैं और हमें भी अपने चैनल में जो वीडियोस डालते हैं उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स की हेल्प लेना चाहते हैं। तो हम जब हेल्प लेना चाहते हैं तो उनके या तो फिर इंस्टाग्राम अकाउंट को सर्च करते हैं, या फिर यूट्यूब अकाउंट को उनको सर्च करते हैं, या फिर उन्हें मेल करते हैं डायरेक्टली। तो यहां पर बात करूंगी मैं इंस्टाग्राम आईडी की। आप सबसे पहले इंस्टाग्राम आईडी कैसे खोलेंगे उसके बारे में भी बात करूंगी कि सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स की इंस्टाग्राम आईडी को आप कैसे पहचानोगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं अपने साथ जो हुई स्टोरी मैं वो बता दूं आप सभी को। मेरे साथ भी जो हुआ था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल जो है वो डाउन हो चुका था, एक मिसेस गुप्ता का, जिसमें मैं अभी वीडियोज अपलोड कर रही हूँ, तो वो चैनल डाउन हो चुका था कुछ कारण के चलते, जिसका मैंने पहले ही मोटिवेशनल वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो वो चैनल जब डाउन हुआ था तो मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स की हेल्प ले रही थी, उन्हें इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेंशन कर रही थी, या फिर उन्हें मेल कर रही थी, या डीएम कर रही थी। तो मुझे जो है वो आईडी कहाँ से मिल रही थी, मैं उन्हें कैसे कॉन्टेक्ट कर रही थी, वो सारी बातें बताऊंगी। तो दोस्तों, हमें उनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि जब मेरा चैनल कुछ खराबी आ गई थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं बड़े बड़े इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मेल कर रही थी, डीएम कर रही थी। तो यहां पर मेरे साथ हुआ कि इंस्टाग्राम पर अभी देखेंगे बहुत सारे फेक आईडी खुल गए हैं। तो मैंने क्या किया कि डायरेक्टली जो है बड़े यूट्यूबर, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं तो टेक्निकल इसरार सर के साथ जो है मैंने कमेंट किया, उनको यूट्यूब पे कमेंट किया, मेल किया, फिर इंस्टाग्राम आईडी पे मैंने डीएम किया। तो आप अभी देखेंगे इस टेक्निकल इसरार सर के नाम से अगर आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे तो आपको 4-5 आईडी ऐसे मिल जाएगी। तो मैंने भी यहाँ पर सर्च किया था, उस समय मुझे पता नहीं था कि मुझे फॉलोअर पहले देखने हैं, आपको फॉलोअर देखने हैं, आपको उनका पूरा डिटेल देख लेना, उसके बाद आपको चैट करना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाया था, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप इतना कुछ नहीं खंगालते हो और डायरेक्ट ही आपको आप उन्हें मेल कर देते हो या फिर उन्हें चैट करने लगते हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैंने टेक्निकल इसरार सर का जो है इंस्टाग्राम आईडी ओपन किया और वहां पर मुझे 3-4 आईडी दिख गया। तो मुझे जो पहला नंबर का आईडी दिखा, मैं वहीं पर जाकर जो है इंस्टाग्राम पे मैं उन्हें चैट करने लगी और बताने लगी अपनी प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पर हुआ क्या कि मैंने, यही गैर मनाही है कि मैंने वहां पर कुछ ऐसा डिटेल्स नहीं दिया, तो यहाँ पर था फेक आईडी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर था फेक आईडी टेक्निकल स्टार सर के नाम का, जो कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम पे अभी फेक आईडी खुल गया है। मैं चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और टेक्निकल स्टार सर ने भी कल एक वीडियो बनाया था कि उनके नाम पे बहुत सारे फेक आईडी से अकाउंट खुल गए हैं, तो उनसे बच के रहिएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उन्हें बताई और बताने के बाद क्या हुआ, वो जेन्युइनली तरीके से वो मेरे से बात कर रहे थे और बात करते करते उन्होंने क्या किया कि आपको अगर प्रॉब्लम आई है तो आप अपने चैनल का आईडी मुझे दीजिए, अपने चैनल का लिंक दीजिए। तो चैनल का लिंक तो मैंने दिया, लेकिन चैनल का लिंक जैसे ही दिया उन्होंने कहा कि अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड दीजिए। तो जैसे ही पासवर्ड की बात आती है आपका दिमाग ठनक जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जैसे ही पासवर्ड उसने मांगा तो मुझे लगा, मैं समझ गई कि ये फेक आईडी है। मैंने पूरी डिटेल्स कुछ भी नहीं दी और उनसे कहा कि आपको शर्म नहीं आती, आपने पहले चैट किया, आपने सब कुछ प्रॉब्लम सुना, उसके बाद आप आईडी और पासवर्ड मांग रहे हो, आपने पासवर्ड क्यों मांगा, पासवर्ड क्यों मांग रहे हो आप? अगर आपको कुछ देखना हो तो सबसे पहले आप चैनल चेक करोगे,
आप अगर किसी यूट्यूबर का लिंक मांगते हो यूट्यूब चैनल का, तो आप उसके लिंक पे जाके पहले उसका चैनल देखोगे, चैनल पे क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, या फिर YT का आप स्क्रीनशॉट मांगोगे, YT पे क्या परफॉर्मेंस है। आप डायरेक्ट पासवर्ड तो नहीं मांगोगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जैसे ही उसने पासवर्ड मांगा तो मैंने उसे बहुत सुनाया, और सुनाने के बाद मैंने कहा कि टेक्निकल इसरार सर ऐसे नहीं है कि वो डायरेक्ट पासवर्ड मांगे, वो पहले अगर होते, अगर वो होते यहाँ पर, तो वो मेरी प्रॉब्लम्स को सुनते, सुनने के बाद वो चैनल को चेक करते, चेक करने के बाद YT का स्क्रीनशॉट मांगते, उसके बाद मेरे चैनल में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बताते। अगर मैं फिर भी इंसिस्ट करती थी आप मेरा चैनल चेक कर दीजिए, तो वो कुछ आगे का सोचते। तो ये फेक ID पे अगर आप अपना पासवर्ड दे देते हो तो आपका चैनल गया, आपका चैनल हैक, क्योंकि यहाँ हैकर्स लोग बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। और इन सब के अकाउंट को ना इंस्टाग्राम बंद कर रहा है, ना यूट्यूब बंद कर रहा है। मुझे पता नहीं लग रहा है कि आखिर ये फेक ID वालों का अकाउंट यूट्यूब क्यों नहीं बंद कर रहा है, इंस्टाग्राम क्यों नहीं बंद कर रहा है, किसी भी सोशल मीडिया पे जो फेक अकाउंट से ID खुला हुआ है उसके अकाउंट को जाकर बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। तो यहां पर मैं बच गई, और अगर कोई और रहता तो वो पासवर्ड भी दे देता, अपने चैनल का सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता, तो उनका चैनल हैक हो सकता था। तो यहाँ पर इन फेक ID से आपको बचकर रहना है, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम लेकर यहाँ पर बड़े बड़े चैनल्स को टारगेट करके यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट खोला जा रहा है, फेक अकाउंट। यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि जो लोग फेमस हो जाते हैं उनका यूट्यूब चैनल खोल लिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे पता चल गया था कि ये एक फेक ID है, और आप देखेंगे कि मनोज दे के नाम से भी फेक ID खुली हुई है, टेक्निकल योगी सर के नाम पे भी फेक ID खुली हुई है। तो इन सब ID से बच के रहिए। अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ कि आप अगर किसी बड़े यूट्यूबर्स की हेल्प लेना चाहते हो इंस्टाग्राम DM करके या फिर मेल करके, तो आपको डायरेक्ट उनके यूट्यूब चैनल पे जाना है। उनके यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे आप देखोगे तो वहां पर उन्होंने फेसबुक ID, इंस्टाग्राम ID, ट्विटर ID, लिंक्डइन जो भी है, टेलीग्राम ID का लिंक जो भी है, सबका लिंक उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। तो आपको डायरेक्ट वहां से लिंक ओपन करना है। वहां से आप अगर लिंक ओपन करते हैं तो उनका जेन्युइन ID जो होगा वही ओपन होगा। तो यहां पर हैकर्स से आपको बचकर रहना है, किसी भी हैकर्स से आपको बचकर रहना है। अगर वो आपको ऐसी कुछ भी लिंक वो भेजते हैं या फिर कोई चैट ऐसी करते हैं, तो आपको सतर्क रहना है कि हमें ना तो उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी अपने चैनल की, और ना ही हमें कोई पासवर्ड ऐसा देना, ना ही किसी भी लिंक पे क्लिक करना है। तो आप इन सब ID से बच कर रहिए। और मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कहना चाहूंगी कि इन सब फेक ID पे आप कुछ कीजिए, ताकि लोग फेक ID बनाना बंद कर दे, क्योंकि जो लोग फेमस होते हैं उनके नाम से लोग फेक ID बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी भी किसी भी ऐसी लिंक पर आप क्लिक मत करना, कभी भी किसी भी बड़े यूट्यूबर्स का नाम देखकर आप कुछ भी ऐसा मत करना, क्योंकि आप देखोगे हमें कैसे पता चलेगा कि इंस्टाग्राम ID पे इनका नाम जो है वो फेक है। तो आप देखोगे कि ओरिजिनल जो ID होती है उसका स्पेलिंग और इंस्टाग्राम पे जो फेक ID है उसके स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, एक वर्ड का, जैसे L या फिर R, कोई भी एक वर्ड जो है वो रॉन्ग रहेगा। तो आप इससे बच के रहिएगा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप किसी बड़े यूट्यूबर के चैनल पे जाकर डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो वहां पर सारे ओरिजिनल लिंक दिए हुए, आप वहां पे जाकर आप डायरेक्ट खोल सकते हो और DM कर सकते हो या फिर मेल भी कर सकते हो। तो टेलीग्राम लिंक पे भी आप मत जाना, क्योंकि टेलीग्राम लिंक पे भी बहुत ज्यादा फेक ID खुले हुए हैं और वहां पर हैकर्स लोग बैठे हुए हैं। तो कभी भी किसी भी ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना और अपने चैनल को बचा कर रखना। तो यही हुआ था मेरे साथ। तो इन सब फेक ID से बच के रहिएगा। मुझे लगता है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दे। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।